हाय स्टूडेंट्स, मैं रजनीश हूं और मैं आज आपको स्टॉइकोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने दो लेक्चर्स और लिए हैं स्टॉइकोमेट्री पे, जिसमें पहले लेक्चर मैंने प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन और मोल मोल एनालिसिस और यूनिटरी मेथड पे बात की है। इस लेक्चर में हमारा पूरा फोकस लिमिटिंग रिएजेंट मेथड पे होगा। लिमिटिंग रिएजेंट मेथड क्या होता है? अब मान लीजिए एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस थ्राइस हाइड्रोजन चेंजेस इनटू ट्वाइस अमोनिया। ये एक रिएक्शन हो रहा है। अब इस रिएक्शन में अगर मैं कहूं कि मैं ये 8 मोल लेता हूं, तो ये कितना मोल बनेगा? ये 8 मोल लेता हूं और ये 3 मोल लेता हूं, कितना बनेगा? कितना अमोनिया बनेगा? अब ये क्वेश्चन आप मोल मोल एनालिसिस से नहीं कर सकते हो, ना ही प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि इनमें से कौन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और कौन बचा रह जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट मेथड कब लगाते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट मेथड तब लगाते हैं जब रिएक्टेंट के साइड एक से ज्यादा लोगों की वैल्यूज दी हो और हम श्योर ना हो कि हम इनमें से कौन पूरी तरह से खप जाएगा और कौन बचा रहेगा। ठीक है ना। मोल मोल एनालिसिस मेथड कब लगाते हैं? जब हम श्योर होते हैं कि ये चीज इतनी लगी है और इतनी बनेगी, वहां मोल मोल एनालिसिस मेथड लगा सकते हैं। या प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मेथड भी तब लगा सकते हैं जब आप श्योर रहते हैं कि हाँ भाई ये चीज इतनी ली है उतनी बनेगी। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ एटम लिमिटिंग रिएजेंट मेथड आप तभी लगा सकते हैं, तब लगाते हैं जब आप श्योर ना हो कि इनमें से कौन पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा और कौन बचा रह जाएगा। ठीक है, आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इसका जो बेसिक मेथड है ना, हमें ये चीज निकालनी है, ये कितना शुरू में लिया गया था, बहुत समय बाद ये कितना होगा, ये कितना होगा और ये कितना बनेगा। शुरुआत में ये 3 था, ये 8 था, ये 0 था, फाइनल स्टेटस क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। हम क्या कर सकते हैं यहां पे, इसको कैसे कर सकते हैं? 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल, नहीं 1 मोल नाइट्रोजन से 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है। आपको यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि आपको पता लगाना है कि इनमें से वो कौन सा रिएजेंट है जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि इनमें से जो पहले खत्म हो जाएगा रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगा और रिएक्शन जैसे ही रुकेगा है ना, इसका कंज्यूम होना, मान लीजिए ये खत्म हो जाता है, अगर ये लिमिटिंग है तो जैसे ही ये खत्म हो जाएगा इसका कंज्यूम होना बंद हो जाएगा, उसका बनना बंद हो जाए। ठीक है, तो पूरी तरह से ये रिएक्शन उस रिएजेंट पर डिपेंड करता है जो सबसे पहले खत्म हो जाता है, खत्म होकर वो रिएक्शन को लिमिट कर देता है, रोक देता है, इसलिए इस मेथड को हम लिमिटिंग रिएजेंट मेथड कहते हैं। तो पहला हमारा मकसद है पता लगाना कि नाइट्रोजन पहले खत्म होगा कि हाइड्रोजन पहले खत्म होगा। 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए रिएक्ट करने के लिए, तो 3 मोल हाइड्रोजन को नाइट्रोजन को 9 मोल हाइड्रोजन चाहिए होंगे रिएक्ट करने के। लेकिन हाइड्रोजन है कितने? 8 मोल है, चाहिए कितने? 9 मोल है, यानी ये कम पड़ जाएगा, ये पहले खत्म हो जाएगा। तो एक चीज तो पक्का पता है कि रिएक्शन खत्म होने पर ये नहीं बचेगा। तो जो चीज रिएक्शन खत्म होने पर खत्म हो जाए उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ये जैसे ही 0 होगा इसका कंज्यूम होना बंद हो जाएगा और इसका बनना बंद हो जाएगा। तो सारी चीजें इसी पे डिपेंड करती है जिस जिसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जो चीज बच जाएगी उस रिएजेंट, जो रिएजेंट बच जाता है उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट कहा जाता है। ठीक है, तो खैर हमें ये पता तो चल गया कि इन दोनों में से लिमिटिंग कौन है, हाइड्रोजन लिमिटिंग है। अब चूंकि हाइड्रोजन लिमिटिंग है तो रिएक्शन को लिमिट कर देगा, तो इसी से इसका और इसकी मात्रा का भी हमें पता लगाना होगा, अमाउंट का पता लगाना होगा। कैसे पता लगाएंगे? हम लिख सकते हैं यहां पर कि उल्टा करते हैं, 3 मोल हाइड्रोजन जब लगता है तो नाइट्रोजन का 1 मोल लगता है, तो 1 मोल हाइड्रोजन जब लगेगा तो 1/3 मोल नाइट्रोजन लगेगा। ठीक है, तो 8 मोल जब हाइड्रोजन पूरा कंज्यूम हो जाएगा, 8 मोल हाइड्रोजन जब पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो 8/3 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम होगा। ठीक है, तो मैंने पता लगा दिया कि 3 में से 8/3 कंज्यूम हो जाएगा, यानी 1/3, 9 - 8, 1/3 बचा रह जाएगा।
मोल्स बचा रह जाए। तो नाइट्रोजन फाइनल स्टेटस क्या है, 3 मोल नाइट्रोजन, 8 मोल हाइड्रोजन लेने पे हाइड्रोजन बचेगा नहीं, और नाइट्रोजन कितना बचेगा, 1/3 मोल्स बचेंगे, हाइड्रोजन कितना बचेगा, 0 बचेगा। ऐसे ही हम अमोनिया का भी पता लगा सकते हैं, इससे उसका पता लगा सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, 3 मोल हाइड्रोजन जो है से 2 मोल अमोनिया बनता है, तो 1 मोल हाइड्रोजन से है ना 2/3 मोल अमोनिया बनेगा, और 1 मोल हाइड्रोजन से अगर 2/3 मोल अमोनिया बनता है तो 8 मोल हाइड्रोजन जो कि पूरा खप गया है, 8 मोल हाइड्रोजन से है ना 8^16/3 मोल अमोनिया बनेगा, 16/3 मोल अमोनिया बनेगा। तो इसका फाइनल स्टेटस क्या हो जाएगा, ये 16/3 मोल्स होगा। तो पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप स्टेप वन क्या था, स्टेप वन था कि लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाया जाए। स्टेप टू क्या था, फिर लिमिटिंग रिएजेंट का पता लग गया तो उसी के अनुसार कितना नाइट्रोजन खर्च हुआ वो निकालना, और फिर उसी के अनुसार कितना अमोनिया बना वो निकालना। फ्रेंड्स ये जो मेथड है ये बहुत रूडिमेंट्री मेथड है, और हम यहां पर लिमिटिंग सॉरी यूनिटरी मेथड लगाकर चीजें निकाल रहे हैं। इसको करने का एक स्मार्ट मेथड भी हो सकता है, एक ट्रिक हो सकती है जिसे हम बहुत तेजी से इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हैं। आइए उसको समझते हैं, अल्टरनेटिव मेथड क्या होगा। एलिटर, मान लीजिए ये रिएक्शन आपको दिया है, 1 नाइट्रोजन + 3 हाइड्रोजन चेंजेस इनटू 2 अमोनिया। ये सेम क्वेश्चन कर रहा हूं मैं फिर से, 380। आप इसको लिख सकते हैं 3 - x 1x 8 - 3x। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये 1 कंज्यूम होता है तो ये 3 कंज्यूम होता है, तो ये x कंज्यूम होगा तो ये 3x कंज्यूम होगा, ठीक है। ये एक एक खपता है तो ये 2 बनता है, तो ये x खपेगा तो ये 2x बनेगा। यहां माइनस इसलिए किया गया क्योंकि ये वैल्यूज ये चीजें घट रही हैं, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के मोल्स रिएक्शन में घटते हैं, और यहां ये 0 + 2x है यानी ये बढ़ रहा है, तो मैंने प्लस लिखा। शुरुआत में भी x था पर x की वैल्यू 0 थी, 3 - 0 8 - 3 × 0 2 × 0 यानी x की वैल्यू शुरू में 0 थी और धीरे धीरे x की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। ये कब किस x की वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा, ये x बराबर 3 के लिए 0 होगा, ठीक है। ये कब 0 होगा, तो ये x बराबर 8/3 के लिए 0 होगा। अब मुझे पता है x की वैल्यू शुरू में 0 थी, x की वैल्यू शुरू में 0 थी है ना, बीच में ये x बाय 8/3 पे भी 0 हो सकता है और 3 पे भी 0 हो सकता है। मुझे मालूम है कि x की वैल्यू शुरू में 0 है, ये लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ये कंज्यूम होता जाएगा x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जैसे ये 8/3 पे पहुंचेगा ये 0 हो जाएगा और रिएक्शन वहीं पे ठप पड़ जाएगा, क्योंकि एक भी रिएक्टेंट अगर नहीं होगा तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो मैंने क्या सीखा, ये वो वैल्यू है x की जिसको रखने पर ये 0 हो जा रहा है और रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को रख दीजिए, 3 - 8/3 कितना आ जाएगा, 1/3, 8 - 3 × 8/3 कितना आ जाएगा, 0, और ये 2 × 8/3 कितना हो जाएगा, 16/3। अब अगर आप चाहें तो ये 3 वैल्यूज को यहां की 3 वैल्यूज से कंपेयर करिए, ठीक है, यहां की, यहां भी वही 3 वैल्यूज हैं, यहां भी वही 3 वैल्यूज हैं, है ना, पर इन 3 वैल्यूज को लाने में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी जबकि यहां मैंने एक स्मार्ट मेथड लगाकर कर लिया। तो मैं इस स्मार्ट मेथड को ब्रीफ कर दे रहा हूं, क्या कि जब भी आपको चीजों के मोल्स दिए हो और आपको लिमिटिंग रिएजेंट मेथड लगाना हो, आप क्या लिखिए, आप लिखिए 3 - जो भी यहां पे कोफिशियंट उतना x, 8 - जो भी यहां कोफिशियंट उतना, और जो यहां कोफिशियंट उतना x यहां लिखा। रिएक्टेंट साइड जितने लोग हैं उनको बारी बारी से आप 0 से इक्वेट करिए और x की वैल्यूज निकालिए, जो सबसे छोटी वैल्यू आए उसको आप रख दीजिए, जो फाइनल चीज आएगी वो आंसर हो जाएगी, ठीक है। इस मेथड को हम लिमिटिंग रिएजेंट मेथड कहते हैं। हाँ, इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि इनिशियली ये मोल है, इनिशियली ये मोल है, और अगर ये मोल है तो हमें मालूम है, मैंने ये डायग्राम बना रखा है इसीलिए कि मोल का 3 चीजों से रिलेशनशिप होता है, मास, नंबर और वॉल्यूम से। मास से भी मोल आता है, नंबर से भी मोल आता है, वॉल्यूम से भी मोल आता है। तो ध्यान रखिएगा, मास डिवाइड बाय, मास मींस वेट है ना, ये मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इज मोल्स, नंबर डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर इज मोल, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 इज मोल, ठीक है। तो आप वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज मोल्स रखिए, यानी अगर क्वेश्चन में आपको वेट दिया है पहले उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए, तब आप
आगे लिमिटिंग रिएजेंट मेथड लगाइए, या अगर आपको चीजें नंबर्स दी हैं आप उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल्स निकालिए, अगर आपको वॉल्यूम एट एसटीपी दिया है आप 22.4 से डिवाइड करके मोल निकालिए। ठीक है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट मेथड लगाने का एक स्मार्ट मेथड है, ठीक है, जिससे आप बहुत तेजी से ना बिना यूनिटरी मेथड जैसा टायरसम मेथड इस्तेमाल किए बिना जल्दी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस मेथड को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कहता है 6 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 4 मोल्स ऑफ HCl सॉल्यूशन। 5 The volume of CO2 gas produced at STP। आइए देखते हैं, अभी क्वेश्चन मिला मुझे, ठीक है, जो व्यूअर्स हैं वो चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके खुद भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या इसका सॉल्यूशन हो जाएगा? पहले रिएक्शन लिखा जाए, रिएक्शन बहुत इजी है, Na2CO3 प्लस HCl गिव्स ट्वाइस NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। Na2CO3 कितना मोल है? 6 मोल्स। HCl कितना मोल है? 4 मोल, 0, 0, 0, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया, आप इसका इक्वेशन लिखिए, क्या लिखेंगे, 6 - 1x 4 - 2x 2xxx। ठीक है, आप इस तरह का एक्सप्रेशन लिखिए, दोनों रिएक्टेंट साइड की चीजों को जीरो से इक्वेट करिए, 6 - x इज 0 x इज इक्वल्स टू 6, इसको भी जीरो से इक्वेट करिए, 4 - 2x इज 0 x इज इक्वल्स टू 2, छोटा कौन है, 2 छोटा है, 2 जो छोटा नंबर आए एक्स की वैल्यू आए उसको रख दीजिए, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक्स की वैल्यू शुरू में जीरो है, वो वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो पहले 2 आएगा, एक्स 2 होगा, और जैसे ही 2 होगा इनमें से ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगा। 6 - 2 इज 4 0, 2 2 जा 4 2 2। अब चूंकि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मिल गए तो मेरे लिए उसका वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना उतना मुश्किल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ मोल्स, देखिए मोल्स और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है ना, जितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं उसमें 22.4 लीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम एट क्या आ जाएगा, एसटीपी आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम एट एसटीपी आ जाएगा, तो वॉल्यूम एट एसटीपी कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4, दैट इज 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4 44.8 लीटर, ये वॉल्यूम एट एसटीपी आ जाए। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्स प्लस वाई चेंजेस इनटू X3Y4। ठीक है, X3Y4 अबव रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय टेकिंग 6 मोल्स, टेकिंग 6 मोल्स ईच ऑफ एक्स एंड वाई, देन इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए एक्स इज द लिमिटिंग रिएजेंट, बी 1.5 moles of X3Y4 is formed, C option है 1.5 moles of excess reagent is left, D 75% of excess reagent has reacted. अभी क्वेश्चन क्या कहता है देखा जाए, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं,
आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस रिएक्शन में सबसे बड़ी चीज क्या है कि लिमिटिंग रिएजेंट मेथड जो है वो पीओएसी की तरह नहीं है, इसमें आपको रिएक्शन को बैलेंस रखना ही होगा। यानी क्या, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई चेंजेस इंटू एक्स थ्री वाई फोर, इसको लिखेंगे 3x और इसको क्या लिखेंगे 4y, ठीक है। अब अबव रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय टेकिंग 6 मोल ऑफ ईच x एंड y, तो आप इसको 6 इसको 6 इसको 0 ले सकते हैं, ये शुरुआत है। बहुत समय बाद क्या होगा, 6 माइनस 3x, 6 माइनस 4x, x ऐसे लिख सकते हैं, इसको 0 से इक्वेट करिए, 6 माइनस x, 6 माइनस x, 3x इज 0, x इज इक्वल्स टू 2, इसको 0 से इक्वेट करेंगे, 6 माइनस 4x इज 0, x इज इक्वल टू 1.5, छोटा कौन है 1.5, आप 1.5 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 1.5, दैट इज 6 माइनस 4.5, सो फाइनल आंसर इज इसके 1.5 मोल्स बचेंगे, इसके 0 हो जाएंगे और इसके 1.5 मोल्स बचेंगे, ठीक है, बनेंगे। अब ऑप्शंस क्या है, x इज लिमिटिंग, I don't think x is limiting, y is limiting, ठीक है, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, 1.5 मोल ऑफ x3 y4 is formed, है ना, x3 y4 कितना बना है 1.5 मोल बना है, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी ऑप्शन क्या कहता है, 1.5 मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट, हाँ एक्सेस रिएजेंट जो बना है वो 1.5 मोल बना है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 75% ऑफ द एक्सेस रिएजेंट हैज रिएक्टेड, लिया कितना था एक्सेस रिएजेंट 6, रिएक्ट कितना किया 4.5, परसेंटेज कितना आ जाएगा इंटू 100, ठीक है, दिस इज लाइक 3, दिस इज लाइक 4, 25, यस 75%, मुझे लगता है डी ऑप्शन भी उतना ही सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के तीन आंसर हो सकते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। आइए इस चीज को और अच्छा समझने के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स ए थ्री बी टू, और साथ साथ फिर एक रिएक्शन हो रहा है ए थ्री बी टू प्लस सी गिव्स ए थ्री बी टू सी टू, ठीक है। इस रिएक्शन में 3 मोल इसका लिया गया है और 3-3 मोल लिया गया और सी के 1 मोल लिए गए हैं, तो पूछता है क्वेश्चन कि ए थ्री बी टू सी टू के फाइनली कितने मोल्स बनेंगे, है ना। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए थ्री बी टू सी टू फॉर्म्ड, ठीक है। चलिए आइए कैसे करते हैं देखते हैं, बहुत आसान है, ये जीरो ले लीजिए, ये जीरो टाइम पे है, बहुत समय बाद क्या होगा। हाँ एक चीज का ध्यान रखना है कि रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, और प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मेथड में अनबैलेंस्ड रिएक्शन से चल सकता है, पर लिमिटिंग रिएजेंट मेथड और मोल मोल एनालिसिस में आपका रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। तो यहां मुझे क्या लिखना है 3 2, यहां क्या लिख सकते हैं 2, है ना, 3 3 0, 3 माइनस 3x, 3 माइनस 2x, x ऐसे लिख सकते हैं। इस दोनों को जीरो से इक्वेट करिए, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 3/2 आएगी। मुझे लगता है एक्स छोटी वैल्यू है, रख दिया जाए, 3 माइनस 3 इंटू 1 इज 0, 3 माइनस 2 इंटू 1 इज 1, दिस इज 1, ठीक है। तो यहां पर रिएक्शन खत्म होने के बाद इसके एक भी मोल नहीं बचते, इसके एक मोल बच रहा है, इसका एक मोल बन रहा है, ये मोल यहां के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब शुरुआत में 1 1 0 है, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 2x, x बनेगा, बहुत समय बाद ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। इसको आप 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और इसको इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हाफ, मुझे लगता है हाफ वैल्यू छोटी है इसलिए यही करेक्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू है जो यहां हम रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ विच इज हाफ, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज हाफ। तो मैं कह सकता हूं अगर आपसे कोई पूछे कितने मोल ए थ्री बी टू सी टू फाइनली बने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ए थ्री, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए थ्री बी टू सी टू इज इक्वल टू हाफ मोल्स, हाफ मोल्स बन जाए, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें मैं दो जगह एलआरएम मेथड लगा रहा हूं, लिमिटिंग रिएजेंट मेथड लगा रहा हूं, जिसमें किसी एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो किसी और रिएक्शन का क्या रिएक्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। आइए अब थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए जाएं जिसमें रियल लाइफ मतलब कुछ मास या वॉल्यूम वगैरह इन्वॉल्व हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहते हैं द रिएक्शन
ट्वाइस कार्बन प्लस ओ टू चेंजेस इंटू ट्वाइस सीओ इज कैरिड आउट बाय टेकिंग 24 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. फाइंड आउट क्या ए विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस. दूसरा हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट. ठीक है. और तीसरी चीज क्या हाउ मेनी मोल्स ऑफ सीओ इज फॉर्म्ड. ठीक है. ये तीन क्वेश्चन दिया गया है ना, तीन चीजें पूछी गई. आइए इस क्वेश्चन को करते हैं. क्या इसका सॉल्यूशन हो जाएगा? मैं चाहूंगा कि व्यूवर्स अगर वीडियो पॉज करके इसको है ना एक बार खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. रिएक्शन क्या कहता है? ट्वाइस सी प्लस ओ टू चेंजेस इंटू ट्वाइस सीओ. 24 ग्राम कार्बन है, ठीक है, 24 ग्राम कार्बन है और 96 ग्राम ऑक्सीजन है. 96 ग्राम ऑक्सीजन है, जीरो है ये शुरुआत में. तो इससे पहले कि हम लिमिटिंग रिएजेंट मेथड इस्तेमाल करें या यूज करें, हमें सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम चीजों को मोल्स में कन्वर्ट कर लें. ठीक है. तो इसको मोल में कैसे करेंगे? मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास 12, 2 मोल हो जाएगा ये, और ये मास डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास 16, 2 32 मोल्स. ये जीरो टाइम पे है. बहुत समय बाद क्या होगा? दिस इज लाइक 2. ठीक है. तो ये 2 मोल्स है, 2 मोल्स है, और ये कितना हो जाएगा? 3 मोल्स. तो अभी शुरुआत में ऐसा है, 2 मोल 3 मोल 0 मोल. बहुत समय बाद क्या हो जाएगा? ये 2 माइनस 2x 3 माइनस 1x 2x. ठीक है. इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 माइनस 2x इज जीरो, x इज इक्वल टू 1, एंड 3 माइनस 2x 3 माइनस x इज जीरो, x इज इक्वल टू 3. छोटी वैल्यू कौन सी है? 1 है. ठीक है, 1 छोटी वैल्यू है, आप रख दीजिए. 2 माइनस 2 इंटू 1 0, 3 माइनस 1 इज 2, एंड 2 इंटू 1 इज 2. अब क्वेश्चन क्या कहता है? विच रिएजेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस. कौन सा बच गया है? ऑक्सीजन. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इज लेफ्ट इन एक्सेस. हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट? ऑक्सीजन कितना बचा है? 2 मोल 2 मोल्स. इसका आंसर हो जाएगा 2 मोल्स. ठीक है. ये भी पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सीओ इज फॉर्म? हाउ मेनी मोल्स ऑफ सीओ इज फॉर्म? 2 मोल्स ऑफ सीओ इज फॉर्म. तो आप एक बार में तीनों क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं. इस क्वेश्चन की खास बात क्या आती है? यहां पे मैंने मोल्स नहीं लिया था शुरू में, शुरुआत में इसमें मास दिया हुआ था. मास को मैंने एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल्स निकाला, ये इनिशियल स्टेटस है. फिर मैंने अपना लिमिटिंग रिएजेंट मेथड लगाया जिसमें 2 माइनस 2 इंटू x 3 माइनस 1 इंटू x और 0 प्लस 2 इंटू एक्स लिखा मैंने. इन दोनों को मैंने जीरो से इक्वेट किया, जो छोटी वैल्यू आई रख दिया, ये फाइनल आपका स्टेटस आ गया. इस क्वेश्चन को इसमें हम लोगों ने क्या सीखा? मास अगर दिया हो तब भी आप चीजों को कर सकते हैं. आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव. क्या कहता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन कहता है कि CH2 एंड Cl2 इन वेट रेशियो 1:2 आर अलाउड टू रिएक्ट, इन मोल रेशियो 1:2 आर अलाउड टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन. रिएक्शन क्या है? 3 CS2 plus 3 Cl2 changes into CCl4 plus S2Cl2. क्वेश्चन कहता है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट बिहाइंड. फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस
रिएजेंट लेफ्ट बिहाइंड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए सीखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इनके वेट का रेशियो दिया हुआ है और जो भी रिएजेंट एक्सेस बचा है उसका कितना फ्रैक्शन बच गया है। मतलब क्या कि अगर शुरुआत में आपने किसी को 100 ग्राम लिया है और उसका अगर 5 ग्राम बचा है तो फ्रैक्शन कितना बचा है, 5/100 यानी 1/20 फ्रैक्शन बचा है। तो इस क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या है, पहला काम है कि मुझे यह निकालना है कि इसमें से जो एक्सेस रिएजेंट है वो कौन सा है, और जो एक्सेस रिएजेंट मिल जाए मुझे तो मुझे पता लगाना है कि एक्सेस रिएजेंट कितना बचा है बाय कितना लिया था, यह फ्रैक्शन निकालना है। आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, CS2+3CL2 चेंजेस इनटू CCl4+H2Cl2। वेट रेशियो क्या है, 1:2, इसका वेट W मानिए, इसका 2W मान लीजिए, 0:0 ऐसा हो जाएगा। अब पहला स्टेप क्या होगा, जो वेट दिया है उसको मोल्स में कन्वर्ट किया जाए। मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कार्बन 12 और ये 32 × 2 = 64, 64 और 12 कितना हो जाएगा 676, इसको आप 76 से डिवाइड करिए, मोल आ गया। इसको कैसे डिवाइड करें, इसके मॉलिक्यूलर वेट 35.5 × 2 यानी 71 से डिवाइड कर दीजिए। आइए लिमिटिंग रिएजेंट मेथड लगाते हैं। अब ये मोल्स में कन्वर्ट हो गया, मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद वही मेथड लगाइए क्या, बहुत समय बाद क्या होगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स जितने थे -1x, इसके नंबर ऑफ मोल्स 2W/71 जितने थे -3x, इसका कितना हो जाएगा x और ये कितना हो जाएगा x, इसको 0 से इक्वेट करिए, है ना, 0 से इक्वेट करने पे क्या आएगा, W/76 - x = 0, x = W/76, ठीक है, W/76। ऐसे आप इसको 0 से इक्वेट करिए तो क्या आ जाएगा, है ना, x की वैल्यू आ जाएगी, यहां आया x = W/76, इसको जब आप 0 से इक्वेट करेंगे 2W/71 - 3x = 0, x = कितना आ जाएगा 2W/213। मुझे लगता है ये जो वैल्यू है 2W/213 आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये छोटी वैल्यू है, और मैंने हमेशा कहा है कि इन दोनों को इक्वेट करने पे जो छोटी वैल्यू आए वो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, W/76 - 2W/213, 2W/71 - 3 × 2W/213, 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 ये चीज 71 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जो एक्सेस रिएजेंट है वो ये है, पूछा जा रहा है जो एक्सेस रिएजेंट बच गया उसका कितना फ्रैक्शन बचा है, तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं कितना फ्रैक्शन बचा है, फ्रैक्शन ऑफ सी एस टू लेफ्ट इज, कितना लिया था मैंने W/76 और कितना बचा है W/76 - 2W/213, है ना, आप इसको इक्वेट कर लीजिए, है ना, आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस और इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए 2W/213 × W/76, W गेट्स कैंसल्ड आउट, दिस इज लाइक 1 - 152/213, है ना, दैट इज 213 - 152/213 एंड दिस इज लाइक 48 or 58 or 361/213, ये आता है 0. मेरे समझ से इसकी वैल्यू आएगी 0.6 के आसपास आ जाएगी, 0.6 नहीं 0.29 आएगी, 299 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसका कितना फ्रैक्शन अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं, कितना 0.3 फ्रैक्शन बचा है, यानी 3/10 फ्रैक्शन इसका बच जाएगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जिसमें मुझे एग्जैक्ट वेट नहीं दिया हुआ था बल्कि वेट का रेशियो दिया हुआ था और मुझसे पूछा गया कितना फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट बचा रह गया। मैंने वेट का रेशियो की जगह W टू W लिया, मोल्स में कन्वर्ट किया, लिमिटिंग रिएजेंट मेथड लगाया, मुझे पता चला कि ये लिमिटिंग है, ये एक्सेस है, एक्सेस के मोल्स बाय इनिशियल मोल्स का रेशियो ले लिया और ये चीज निकलकर 0.3 आई है। आइए इस चीज पर एक और क्वेश्चन करते हैं, जितना आप ज्यादा क्वेश्चन करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में उतने ही चीजें आपके और क्लियर होती जाएंगी। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहते हैं, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज हीटेड विथ 49 ml ऑफ
H2SO4, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है H2SO4 की 2 है. प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस. कैलकुलेट द वॉल्यूम एट STP ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड. कितना परसेंट एल्यूमिनियम रिएक्ट किया? नाउ दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इसका सॉल्यूशन देखें. मैं व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो है ना वीडियो पॉज करके खुद इसको करने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोगों ने काफी एग्जाम्पल्स देखे हैं, तो आप कर सकते हैं. अगर आप कर ले तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो इसका ये सॉल्यूशन होना चाहिए. अब क्या एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है H2SO4 से, क्या बनेगा? Al2SO4 होल थ्राइस प्लस थ्राइस हाइड्रोजन. आप इसको बैलेंस कर सकते हैं. 27 ग्राम एल्यूमिनियम है, ठीक है. तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट कितना? 27, 1 मोल. तो ये मुझे पता है 1 मोल है. ये H2SO4 का वॉल्यूम दिया हुआ है कितना है? 49 ml. और डेंसिटी कितनी है? स्पेसिफिक ग्रेविटी जितना होता है उसके सामने ग्राम पर एमएल लगा दें तो डेंसिटी आ जाएगी. मैंने इसको मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 4 में बताया था, ठीक है. तो आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा. मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. 2 ग्राम, 49 ml इंटू 2 ग्राम पर एमएल. एमएल एमएल गया 98 ग्राम. तो ये H2SO4 का 98 ग्राम है. 49 ml और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 का मतलब हो गया 98 ग्राम. 98 ग्राम वेट हो गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. आप H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो उसकी भी वैल्यू 98 आएगी. मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज मोल्स, यानी इसके भी 1 मोल है. 1 मोल, 1 मोल, 0 0, ठीक है. आप इसमें क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2x, 1 माइनस 3x, x 3x, है ना. आप क्या करिए, इसको जीरो से इक्वेट करिए. 1 माइनस 2x इज 0, x इज इक्वल टू हाफ. इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/3. मैंने हमेशा दिखाया कि दोनों रिएक्टेंट को जीरो से इक्वेट करने के बाद जो सबसे छोटी वैल्यू आए उसको आप रख सकते हैं, ठीक है. तो अगर आप यहां पे वैल्यू रखेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1/3, 1 माइनस 3 इंटू 1/3, 1/3 एंड 3 इंटू 1/3, ठीक है. अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के आपको मोल्स मिल गए इस रिएक्शन में. कितने मोल हो जाएंगे? 1 मोल. तो अगर आपको हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं, 1 मोल है, तो आप हाइड्रोजन का वॉल्यूम एट STP निकाल सकते हैं. हाइड्रोजन का वॉल्यूम एट STP कितना होगा? वॉल्यूम एट STP इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4, है ना. मैंने हमेशा बताया कि अगर आपको मोल पता है तो वॉल्यूम एट STP आ सकता है. मोल से वॉल्यूम एट STP कैसे आता है? मल्टीप्लाई बाय मोल में 22.4 लीटर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 22.4 लीटर्स. तो एक क्वेश्चन का तो जवाब दे दिया मैंने. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP. द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP इज 22.4 लीटर्स. ये भी पूछा गया है कि कितना परसेंट एल्यूमिनियम रिएक्ट किया है. तो आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम लिया गया था कितना? 1 मोल और रिएक्ट 2/3 मोल. तो आप निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड, रिएक्टेड इज लिया गया था 1 मोल और रिएक्ट किया 2/3 मोल इंटू 100. दैट इज 2/3 इंटू 100, दैट इज 200/3, दिस इज 66.67%. तो मैं कह सकता हूं 66.67% एल्यूमिनियम रिएक्ट कर गया. तो आज ये लेक्चर 3 में इतना ही. यहां हम लोग स्टोकियोमेट्री खत्म करते हैं. आपको मैंने लेक्चर 1 में मोल मोल एनालिसिस और यूनिटरी मेथड सिखाया. लेक्चर 2 में मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मेथड सिखाया. और इस लेक्चर में मैंने लिमिटिंग रिएजेंट मेथड पे काम किया. थैंक यू सो मच फॉर टुडे.